अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो यार सब? तो पिछला ब्लॉग आपसे मैं देख लिया होगा, बस अभी मैं नेक्स्ट फ्लाइट में जा रहा हूँ जो जद्दा एयरलाइंस की है। तो इंशाल्लाह जद्दा पहुँच के तो फिर जो भी उम्रे की जर्नी है ये, तो ये सेकंड ब्लॉग में दिखाता हूँ आप सबको। तो स्टे विद मी। Moments later. सेकेंड फ्लाइट पे खाने में जूस है, पानी शानी, एयरपोर्ट ब्रेड, और कोर्स में आई गेस हमारे पास कोफ्ता है और चावल है। एंड सेम हमने ब्रेड लिया है। सऊदी एयरपोर्ट पे आ गए हैं यार हम, जिद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बस अभी बैग्स लेके बाहर होटल चलते हैं, फिर होटल दिखाता हूँ आपको जाके। बैग्स वगैरह सारे मिल गए हमें यार, और बस अभी बाहर गाड़ी का वेट कर रहे हैं। बस गाड़ी में बैठ के और होटल निकलते हैं। ये है किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये एग्जिट है बस यहाँ पे। أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهرنا। तो यार ये हम अपने होटल आ गए हैं, मक्का में वोको होटल है। अभी बस ये बैग्स वगैरह रखे हैं, अभी इनको उठा के अंदर लेके चलते हैं। ये है वोको टावर, सामने वो कोई पहाड़ी नज़र आ रही है, और ये मेन। يا بخت اللي صلى وزار لب في النعيم ضوى من تحته تجري انهار بالفرد والسنه طيف الحبيب زارني في الحلم جه وجبرني خدني من ايدي ووصلني। उम्रा करने से पहले अभी कुछ खाने पीने लगे थे यार, भूख बहुत लगी हुई है, फ्लाइट से आए थे सीधा, तो कुछ नाश्ता वगैरह कर लें फिर इंशाल्लाह उम्रे के लिए निकलते हैं। आगे तो
से फ्री हो गए थे, अभी भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी, तो बस ये फूड स्ट्रीट में आए हैं। तो यहाँ डिफरेंट रोस्ट है, हार्डीज है, KFC है, पिज़्ज़ा हट है, बस डिसाइड कर रहे हैं अभी क्या खाएं। सो बस कुछ खा लें और पेट भर लें, फिर बाकी नमाज भी पढ़ते हैं। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम बैक यार, आज सेकंड डे है हमारा मक्का में। तो कल उमरा हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा हो गया था, अल्लाह ताला कबूल करे सबका। अभी बस भूख लगी हुई थी तो पिज़्ज़ा हटाए थे, ये पीछे मदीबा मेरे और बच्चे भी रेडी हैं। तो अभी जोहर का टाइम हो रहा था नमाज का, तो हमने कहा कुछ खा पी लें। ये क्लॉक टावर है, यहाँ पर डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं, KFC, पिज़्ज़ा हट, मैकडोनल्ड्स आ रही हैं। तो पता नहीं ब्रंच में कैसा लग रहा हूँ मैं, वो तो आप लोग रिव्यूज़ में बताना, कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसा लग रहा हूँ। बाकी खाना शाना खा लें फिर नमाज़ के लिए निकलते हैं। हम इस तरह करते हैं कि जोहर असर मगरिब इकट्ठी पढ़ के हरम में, और फिर रात को एक दफ़ा ईशा के बाद होटल में चले जाते हैं। तो बस अभी खाना शाना खा लें तो फिर मिलता हूँ आप सबसे। माशाल्लाह यार, फजर का टाइम है और रश देखो कितना ज़्यादा है। फजर की नमाज़ पढ़ी अभी, बहुत सुकून मिला, और अब तवाफ़ और उमरे शुरू हो गए हैं, बहुत रश है। पहली मंजिल पे नमाज़ पढ़ी मैंने। और ये आज यहाँ का यार शवारमा ट्राई करने लगे हैं, कल पिज़्ज़ा और बर्गर कर लिया, शवारमा देखते हैं अब कैसा है, तो खा के फिर बताता हूँ आपको कि यहाँ का शवारमा कैसा है। ये फूड स्ट्रीट है यहाँ पे क्लॉक टावर में, डिफरेंट यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था पहले भी, सारी खाने पीने की चीज़ें हैं। तो हम रात को जो है वो हम बाहर से खा लेते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हम हरम के पास होते हैं तो ज़ोहर टाइम हम यहाँ से खाना खा लेते हैं। A few moments later. Assalamualaikum. Welcome back to another vlog. यार अभी आज हम दूसरा उमरा करने लगे थे, तो मैं इसको वैसे कोशिश करूँगा पहले उमरे के साथ ही डाल दूँ व्लॉग को भी। तो पहला एक उमरा हमने कर लिया था, तो कोशिश यही थी कम अज़ कम एटलीस्ट दो करें। तो अभी एक मैं अपना कर रहा हूँ और एक मैं अपने मामू हैं मेरे, वो यंग उम्र में फ़ौत हो गए थे, एक उनका उमरा करने लगूँ आज। अब सब बाकी भी किसी ना किसी का कर रहे हैं। तो अभी हम मस्जिद आयशा आए थे, या आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तो बस यहाँ से राम बांध के नियत करके इंशाल्लाह, और फिर हरम जा के मैं दिखाता हूँ आपको दूसरा उमरा, तो साथ रहें बस। फिर الدنيا حسنه
A few moments later. अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स, कैसे हो यार सब? तो अभी मैं ताइफ में ज़्यारतें वगैरह ख़त्म की थी, तो यहाँ मस्जिदें मिकात है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अहराम बांध लिया था और वज़ू करके उमरा की नियत कर ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह दो उमरा मैं कर चुका हूँ अभी तक, एक तो जब हम पहले आए थे और एक मस्जिद आयशा से। तो अभी क्योंकि मैंने करने तो दो ही थे, ज़्यादा मैंने कहा था कि नहीं ज़रूरत, लेकिन बस अभी ये आए थे ताइफ में। तो कहते हैं कि मस्जिद मिकात से अगर आप नियत करके उमरा करें तो बड़ा उमरा कंसिडर होता है। तो मैंने कहा पहले मैं, क्योंकि अपनी मदर की चेयर भी उनके साथ साथ उनको तवाफ़ करवा रहा था सब कुछ, तो मुश्किल था सारा एक्सप्लेन करना। तो अभी जो घर पे बच्चे देख रहे हैं उनके लिए मैं कोशिश करूँगा कि जो मैं अकेला कर रहा हूँ तीसरा उमरा, आप सबको अच्छी तरह थोड़ा एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि जब आप लोग आओ आपको थोड़ा सा आइडिया हो पहले से ही कि कैसे उमरा का जो भी प्रोसीजर है सब कैसे करते हैं। मेरा भी लर्निंग एक्सपीरियंस था ऑब्वियसली, पहली दफ़ा था, लेकिन अब क्योंकि दो दफ़ा कर लिया तो थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस हो गया। तो बस अब यहाँ से चल रहे हैं वापस हरम, तो मैं जाके आप सबको दिखाऊंगा इंशाल्लाह कैसे सारा प्रोसीजर होता है। तो जो भी घर पे बच्चे सारे आप देख रहे हो, आपको बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। तो बस चलते हैं अभी। सबसे पहले आप लोगों ने ये जो ग्रीन लाइट्स है यहाँ से तवाफ़ शुरू करना है, इन ग्रीन लाइट से पहला तवाफ़ अपना बिल्कुल सामने हजरे अस्वद के, आपने बोसा लेके हाथ से और तवाफ़ शुरू करना है ग्रीन लाइट से और फिर सात चक्कर पूरे करना है। सब लोग उधर हजरे अस्वद की तरफ देख के अपना तवाफ शुरू कर रहे हैं बोसा दे के। अब ये मेरा आखिरी चक्कर है और ये बिल्कुल ग्रीन लाइट्स के पास, अब आखिरी चक्कर सातवां ख़त्म हो जाएगा और फिर वहाँ से दुआ मांगेंगे और दुआ मांग के फिर सफ़ा मरवा के चक्कर लगाएंगे, वो मैं जाके आपको दिखाता हूँ। ये ग्रीन लाइट्स के नीचे बिल्कुल सात चक्कर कंप्लीट हो गए, अल्लाह पाक कबूल करे। तवाफ़ रश काफ़ी ज़्यादा है और ये बिल्कुल ग्रीन लाइट के नीचे सामने हजरे अस्वद और सातवां चक्कर कम्प्लीट हुआ। A few moments later. तवाफ कम्प्लीट हो गए यार, मैंने एक दफ़ा वजू कर लिया, फिर अभी मैं सफ़ा और मरवा की तरफ जा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ दोनों पहाड़ और जितना भी वॉक बनती है और वहाँ पे जैसे आपने चलना भागना था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ है सफ़ा स्टार्ट, यहाँ से हमारा पहला चक्कर शुरू होगा सफ़ा से और मुड़ के वहाँ पीछे मरवा तक पहला चक्कर हमारा जाएगा। ये बड़ा सारा लिखा हुआ है सफ़ा स्टार्ट, ये पीछे पहाड़ी है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। माशाल्लाह रश बहुत लगा हुआ है। वो पीछे पहाड़ी है, काफ़ी रश है इधर भी माशाल्लाह, लोग काफ़ी उतर के रुक के दुआएं मांग रहे हैं। यहाँ से हमारा पहला चक्कर अभी स्टार्ट होगा। चक्कर हो जाता है तो लोग यहाँ पे मोस्टली मैंने देखा है रुक के दुआ मांगते हैं और फिर नेक्स्ट चक्कर अपना शुरू करते हैं यहाँ से। काफ़ी लोगों ने जूता पहन के जो है वो चक्कर लगाते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि अगर आप नंगे पांव चल सकें तो आप नंगे पांव चलें, थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि कैसे उमरा जो है वो बड़ा हिम्मत के साथ करना पड़ता है। जूता में चलना बहुत आसान होता है, लोगों को इतना दर्द महसूस नहीं होता,
लेकिन अगर आप नंगे पांव चलेंगे तो आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। ये अभी हमारा आखिरी चक्कर है, सातवां। जो आपका आखिरी चक्कर है वो इधर मरवा की तरफ जाके ख़त्म होगा और फिर यहाँ से बाहर आप नफल पढ़ें और हिजामत करवा के फिर दुआ वगैरह मांगे और आपका उम्रा कंप्लीट हो जाता है। फिर मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से बिल्कुल हम बाहर पे निकल जाएंगे। ये अब मरवा से बाहर एग्ज़िट लेके हम बाहर आ गए हैं। यहाँ से बस आगे जाके वहाँ पे वो हिजामत की कुछ दुकानें हैं जहाँ पे वो 10 रियाल 15 रियाल 20 रियाल लेके आपकी हिजामत करते हैं। और आपसे शर्म के जो पीछे जाए पैदाइश थी, जो अब लाइब्रेरी बना दी है, वो भी बिल्कुल इस बिल्डिंग के पीछे है। तो ये सफ़ा मरवा के चक्कर निकाल के अभी यहाँ पे मैं आया हूँ। मैं आप सबको दिखाता हूँ, ये अभी पहाड़ भी ये वैसे के वैसे ही हैं, इन्होंने कुछ कांटे वगैरह नहीं हैं। आपसे शर्म की जो जाए पैदाइश है बिल्कुल यहीं पास है, बिल्कुल यहाँ से पीछे करीब ही है। तो मैं ये भी चल रहा हूँ और आप सबको दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ शॉप्स वगैरह हैं, बार्बर शॉप्स हैं जहाँ पे हिजामत वगैरह भी होती है। और यहाँ पे जाए पैदाइश है वो लाइब्रेरी, तो मैं दिखाता हूँ भी आप सबको। ये है यार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये अब आप सबको पता होगा लाइब्रेरी बन चुकी है। ये सामने मकतब है, मक्कतुल मुकर्रमा, ये लाइब्रेरी है, यहाँ पे पैदाइश थी। तो उम्रे के ब्लॉग को यार यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है मुझे बुलाया यहाँ पे, अल्लाह ताला आप सबको भी बुलाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 उम्रे की हैं, एक अपना किया और 2 मेरे मामू हैं जो यंग एज में फोत हो गए थे, तो मैंने उनके लिए, उनके साले सवाब के लिए 2 उम्रा उनके लिए किए। बहुत अच्छा लगा, थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर किया आप सबसे। कल जुम्मा है, इंशाल्लाह जुम्मा यहाँ पे पढ़ेंगे और उसके बाद हफ्ते को मदीना रवानगी है, तो फिर मदीना का व्लॉग मैं आप लोगों को वो दिखा दूंगा, वहाँ मस्जिद नबी वगैरह जो भी ज़्यारतें होंगी। तो अभी बस मक्के के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और उम्रा के फिर मुलाकात होती है किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।